नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। दिल्ली में शूटआउट हुआ है, साकेत कोर्ट से है ये खबर। वकील के रूप में आया, वकील ने दरअसल रूप में नहीं वकील था, सस्पेंडेड वकील था। वकील ने साकेत कोर्ट में महिला को गोली मारी है और कोर्ट परिसर में महिला को दौड़ा दौड़ा कर ये गोली मारी गई है। महिला की हालत नाजुक है, दिल्ली के एम्स में भर्ती है ये महिला और 25 लाख के विवाद के चलते, 25 लाख की राशि के विवाद के चलते ये गोली मारी गई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं जिस वक्त ये शख्स गोली चला रहा था, महिला भाग रही है और वो पीछे से उसको शूट कर रहा है। आरोपी कामेश्वर सिंह को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है, फरार है। ये देखिए, कामों में अड़चन करने और हर बात पर गंदी राजनीति करने की बजाय सबको अपने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अगर नहीं संभलता है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। जब शूटआउट की खबर आई उसके बाद ये ट्वीट आया ताकि कोई और वो काम कर ले। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती राजधानी दिल्ली में। फायरिंग पर दिल्ली पुलिस का बयान भी आ गया है, ये अपडेट है इस खबर पर। वकील ने कुल 4 राउंड फायरिंग की थी ये कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से। महिला को लगी थी 3 गोलियां, 4 राउंड फायरिंग में 3 गोलियां महिला को लगी हैं। पुलिस स्टेशन ने दिसंबर के महीने में अरेस्ट किया था, इसका इंटरिम बेल का मैटर हाई कोर्ट में चल रहा था और इसको हाई कोर्ट ने इंटरिम बेल कंडीशन पे दी थी। वो उसके कंडीशंस में एक कंडीशन ये भी था कि इसका फर्दर मीडिएशन चलेगा और जितना भी चीटिंग का अमाउंट है वो रिटर्न करेंगी। मीडिएशन के लिए ये लेडी आई हुई थी और हमारी साकेत कोर्ट की FIR का जो विक्टिम है, इस इंसिडेंट का जो अक्यूज्ड है, वो भी मीडिएशन के पर्पस के लिए आया हुआ था। वो यहाँ पे एज अ लॉयर काम करता था, काफ़ी सालों से काम करता था। ही वॉज इन हिज लॉयर्स यूनिफॉर्म। वो अंदर घुसा है और उसने 4 राउंड फायरिंग की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।